चौक पर आशीष कई सारी वजह बताई, कई सारे फंडामेंटल रीजंस यहाँ पर मनीष ने मेंशन किए क्यों खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में, लेकिन टेक्निकली भी आपको स्थिति कैसी लग रही है शेयर की, और टेक्निकली आपके टारगेट्स क्या हैं टिल बजट? एक अच्छा फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पर, और ये जो स्टॉक है वो जो इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है उसके बहुत नजदीक है, तो ये अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। अगर हम देखते हैं वीकली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर भी देखते हैं तो 35 ये एक ऐसा लेवल है जहां पे एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है, तो यहां से ये ऊपर तो उछाल जब आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो 51 तक जाता ही जाता है। तो मेरे ख्याल से यहां से जो रैली यहां पे मिलेगा जिस तरह से वॉल्यूम नजर आ रहा है इस स्टॉक में, तो 57 तक कम से कम ये स्टॉक जाने की संभावना है। तो मैं आपसे सहमत हूं कि ये स्टॉक एक्युमुलेट करने जैसा है, लेकिन इसके लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 33 रुपीज का और होल्ड करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 57 को तोड़ते हुए अगर ऊपर चलता है तो डायरेक्ट 66 जाने तक।